हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जनवरी मंथ में होने वाला है और इसके बाद मार्च अप्रैल में SBI PO की वैकेंसी आएंगी। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए इस वीडियो क्लास में मैंने कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन ट्रिक्स को समझने के लिए आपको इस पूरे वीडियो क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और इन 10 क्वेश्चन की हेल्प से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये रियल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था IBPS PO मेंस में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कम ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन 10 आ जाएंगे या 15 आ जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली क्या होता है कि एग्जामिनर वैरायटी ज़्यादा करता है, ज़्यादा देता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन केवल 2 आए थे IBPS PO मेंस में, बाकी दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मतलब उसमें एक ही तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर आपका कैलिबर चेक करता है, ठीक है। लेकिन इससे निश्चित रूप से हेल्प तो मिलेगी ही आपको। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, शी स्टूड आउट ऑफ हिज वे, बेयरली एबल टू केयर फॉर ए चाइल्ड एंड एट ए लॉस एज टू वॉट टू डू विद ए बॉय ऑन द ऑफ बिकमिंग अ टीनेजर। अब देखिए, यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको नीचे देखना है कि मिडिल दिया है, एजिंग दिया है, वर्ज दिया है, रिजेंबल दिया है, टर्मिनेट दिया है। यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस ऑफ के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक बॉय की जो कि टीनेजर होने वाला है, ठीक है। टीनेजर कौन होते हैं? जो 13 से 19 साल के जो बॉय या गर्ल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टीनेजर्स। शी स्टूड आउट ऑफ हिज वे, बेयरली एबल टू केयर फॉर ए चाइल्ड एंड एट ए लॉस एज टू वॉट टू डू विद ए बॉय। मतलब वहाँ पर एक महिला की बात हो रही है, एक लेडी की बात हो रही है जो खड़ी है और अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान है कि बच्चे की केयर वो किस तरीके से करे। एट ए लॉस का मतलब है कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो उस बच्चे की परवरिश करे, ठीक है। और एट ए लॉस एस टू मतलब रिगार्डिंग, वो चिंतित है इस बात से कि वॉट टू डू विद ए बॉय ऑन द। अब यहाँ पर आपको, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको द दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप वर्ज लगाते हैं तो ये हो जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ, और ऑन द वर्ज ऑफ होता है किसी चीज़ की दहलीज पर खड़े होना, ठीक है, किसी चीज़ के दहलीज पर खड़े होना, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। तो यहाँ पर वर्ज जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आप मिडिल तो लगा नहीं सकते, ऑन द मिडिल ऑफ बिकमिंग ए टीनेजर ऐसे नहीं बोल सकते आप, ठीक है। ऑन द एजिंग नहीं आएगा, रिजेंबल नहीं आएगा, टर्मिनेट नहीं आएगा, क्योंकि रिजेंबल का मतलब तो होता है कि किसी चीज़ से कंपेरिजन होना, किसी चीज़ से मिलना। जैसे एक फादर की फादर का फेस अपने बेटे से मिलता है या बेटे का फेस फादर से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसका फेस एक दूसरे का फेस रिजेंबल करता है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना, ठीक है। एजिंग मतलब एक धार होती है, मिडिल आएगा नहीं, तो इसमें वर्ज जो है वो सही आंसर आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए, ही फाउंड द कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ रिवोल्यूशन, उसने कंट्री को पाया एक एक दहलीज पर पाया। ही फाउंड द कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ रिवोल्यूशन, बट द विजडम ऑफ द न्यू मोनार्क सेव्ड द सिचुएशन एंड वन बैक द मेगायर्स। मतलब उसने अपनी कंट्री को एक रिवोल्यूशन की दहलीज पर रखा हुआ पाया, लेकिन बट द विजडम ऑफ द न्यू मोनार्क, लेकिन जो नया राजा आया उसकी बुद्धि ने उसको बचा लिया। तो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस में वर्ज जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ जो होता है वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। ये भी क्वेश्चन जो है ये IBPS PO मेंस का क्वेश्चन है, ये भी IBPS PO मेंस में आया है। आफ्टर लिविंग इन द वुड्स फॉर ए वीक, देखिए वुड्स क्या है, वुड्स का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है। वुड को जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जंगल, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। आफ्टर लिविंग इन द वुड्स फॉर ए वीक विदाउट सप्लाइज माय क्लोदिंग। अब देखिए, यदि आप जंगल में रहते हैं 7-8 दिन तक, 10 दिन तक जंगल में रहते हैं, खाने पीने को आपको कुछ नहीं मिलता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो आपका क्लोदिंग जो होगा, आपके जो कपड़े पहने हुए हों वो कैसे होंगे, ये यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वर्ड आएगा, यहाँ पर फ्लॉलेस दिया है।
देखिए फ्लॉलेस क्लोथिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लॉलेस का मतलब है जिसमें कोई कमी नहीं है, तो फ्लॉलेस क्लोथिंग का यहां पर कोई सेंस नहीं बनेगा। थ्रेड बेयर, थ्रेड बेयर मतलब एकदम एकदम जिसके धागे निकल आए हैं, एकदम एकदम से वैसा हो गया है, जो कपड़े एकदम गंदे हो गए हैं, ठीक है, चिंदी चिंदी हो गए हैं, तो उसके लिए हम थ्रेड बेयर बोल सकते हैं। प्रिस्टीन तो परफेक्ट होता है, अनसलिड भी एकदम से परफेक्ट होता है, तो थ्रेड बेयर हम लगा सकते हैं, लेकिन आंसर में हम बी और सी नहीं बोल सकते, क्योंकि सी एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, प्रिस्टीन, ठीक है। तो थ्रेड बेयर यहां पर सही आपका ऑप्शन होगा। सेकंड में देखते हैं, द डिफेंस डिपार्टमेंट जनरली डिपेंडेड इट्स एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स दो द रेशनल फॉर फॉर देम वॉज ग्रोइंग थ्रेड वेयर। यहां पर भी थ्रेड वेयर आएगा। द डिफेंस डिपार्टमेंट जनरली डिफेंडेड इट्स एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स दो द रैशनल फॉर देम वॉज ग्रोइंग थ्रेड वेयर, मतलब रैशनल जो था वो कमजोर पड़ता जा रहा था, डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को डिफेंड किया, बताया कि ये प्रोग्राम्स अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे जो तर्क था, जो लॉजिक था, वो कमजोर पड़ता जा रहा था। तो सेकेंड में भी थ्रेड बेयर का मीनिंग सही है और फर्स्ट में भी सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये पूछे गए थे IBPS PO मेंस एग्जाम में, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे IBPS क्लर्क मेंस में और SBI PO एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली द सेंटर ऑलरेडी अंडर फायर फॉर विद हाई फ्यूअल टैक्सेस डिस्पाइट द राइज इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ क्रूड इन रीसेंट मंथ्स फेस्ड फ्रेश फ्लैक ओवर दिस कट। अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि द सेंटर ऑलरेडी अंडर फायर, मतलब सेंटर अंडर फायर है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए एक लॉजिक तो ये है कि यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, तो इसके बाद आप ING फॉर्म यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और ING फॉर्म का केवल एक ही वर्ड है पूरे उसमें, फॉर परसिस्टिंग विद हाई फ्यूअल टैक्स, मतलब सेंटर की बुराई की जा रही है, सेंटर को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। वाई सेंटर इज फेसिंग क्रिटिसिज्म, बिकॉज परसिस्टिंग, द सेंटर इज परसिस्टिंग विद हाई फ्यूल टैक्सेस, मतलब वो टैक्सेस पर, वो फ्यूल पर ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं, और इसके साथ वो लगातार, मतलब इस काम को वो लगातार करते जा रहे हैं। फायर फॉर परसिस्टिंग विद हाई फ्यूल टैक्सेस, फ्यूल टैक्सेस पर, पेट्रोल और डीजल पर वो ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, और इस चीज़ के साथ वो परसिस्ट कर रहे हैं, लगातार इस काम को करते जा रहे हैं, इसलिए उनको एक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इन रीसेंट मंथ फेस्ड फ्रेश फ्लैक ओवर दिस कट, मतलब उन्होंने जो टैक्सेस में जो कट किया है वो कैसा है, वो कर्सरी कट है, वो सुपरफिशियल कट है, वो मीन सब्सटेंशियल कट नहीं है। तो यहाँ पर कर्सरी भी सही है और परसिस्टिंग भी सही है। परसिस्टिंग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि फॉर के बाद एक वर्ड चाहिए, तो ING फॉर्म का वर्ड आएगा, ठीक है, तो परसिस्टिंग उस सेंस में भी सही है। और परसिस्टिंग विद हाई फ्यूल टैक्सेस, मतलब हाई फ्यूल टैक्सेस वो लगातार इम्पोज कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी ये सही है, कर्सरी मतलब सुपरफिशियल। तो इस तरीके से इसमें थर्ड आपका आंसर होगा, ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ मैं इस इंटीग्रेटेड टारगेट बैच के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि आप SBI PO के सीरियस एस्पिरेंट हैं, RBI के सीरियस एस्पिरेंट हैं, कैनरा बैंक के सीरियस एस्पिरेंट हैं, या कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इस इंटीग्रेटेड टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। और इसमें पूरा इंग्लिश प्री मेंस GDPI पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाता है। तो इसको इस वेबसाइट से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी वेबसाइट पर आपका कोर्स चलेगा, यहीं पर आप इसको देखेंगे। रेगुलर क्लासेस भी रहती हैं इसमें, और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती हैं। और ये है मेरा कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर, और इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इस इंटीग्रेटेड टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इसमें स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, इंग्लिश के वीडियो क्लासेस और सारे PDFs इसमें मिलते हैं आपको। इसके थ्रू आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द BJP लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर, अब देखिए यहाँ पर देखिए, फॉर सेवरल असेंबली इलेक्शंस दिस ईयर फॉलोड बाय द जनरल इलेक्शन इन 2019, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर सेवरल असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो 2019 में होंगे। द प्रेशर टू चेक
पंप लेवल फ्यूल प्राइसेस इज। अब देखिए इसमें सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, यहां पर इज लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी यहां पर आ सकता है। तो आईएनजी फॉर्म का वर्ड कौन सा है, इसमें केवल एक ही वर्ड है जो आईएनजी फॉर्म का है, इंटेंसिफाइंग। पंप लेवल फ्यूल प्राइस इज इंटेंसिफाइंग, मतलब पंप लेवल फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है, इंटेंसिफाई होती जा रही है। तो ग्रामर के हिसाब से यहां पर सेंस सही बन रहा है इंटेंसिफाइंग का, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी सेंस सही बन रहा है। और यदि सेकंड वर्ड सही है तो फर्स्ट वर्ड अपने आप सही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वर्ड सही है और एक वर्ड गलत है। यदि एक वर्ड सही है तो दूसरा वर्ड तो ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। तो यहां पर यदि आप गियरिंग अप लगाते हैं तो उसका भी सेंस सही बनेगा, क्योंकि फॉर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर गियरिंग अप फॉर सेवरल असेंबली इलेक्शन दिस ईयर फॉलोड बाई जनरल इलेक्शन 2019 द प्रेशर टू चेक पंप लेवल फ्यूल प्राइस इज इंटेंसिफाइंग, मतलब जो प्रेशर है कि पंप लेवल फ्यूल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उसको कम करना है, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं और जनरल इलेक्शन 2019 में होने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस को आपको लॉजिक से ही ट्रिक करना होता है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ये होता है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है या कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए सेंटेंस के मीनिंग पर या वर्ड मीनिंग पर डिपेंडेंट होने की बजाय इन इस तरह के सेंटेंसेस को यदि आप लॉजिक से करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ज़्यादा सही होता है। जैसे आप यहां पर देखिए, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट केरला डिसीजन टू स्लैश द सेल टैक्स ऑन फ्यूल चेंजेस ऑफ द डिबेट, यहां पर देखा है ऑफ द डिबेट, तो यहां पर क्या वर्ड आ सकता है, समरी ऑफ द डिबेट या मेन पॉइंट्स ऑफ द डिबेट, ठीक है, क्रक्स ऑफ द डिबेट, इस तरह का कुछ वर्ड यहां पर आ सकता है। समरी ऑफ द डिबेट एज स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन रेकिंग इन इजी ऑयल, ऑयल के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है, क्या ऑयल के साथ एक्सक्लूजन जुड़ सकता है, क्या ऑयल के साथ डिस्क्रिमिनेटिव जुड़ सकता है, क्या ऑयल के साथ कन्फाइंड जुड़ सकता है, ऑयल के साथ डेफिनेटली रेवेन्यू वर्ड जुड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑयल रेवेन्यू एक वर्ड होता है, ठीक है, ऑयल रेवेन्यू, तेल से जो रेवेन्यू मिलता है। तो यदि आप लॉजिक लगाएं तो ऑयल के साथ, देखिए ये वर्ड पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेंगे आपको, ऑयल रेवेन्यू हो सकता है, और यहां पर हम फर्स्ट में नरेटिव इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि नरेटिव ऑफ द डिबेट, नरेटिव एक्चुअली होता है किसी चीज का, किसी एक स्टोरी को ही हम नरेटिव बोलते हैं, तो स्टोरी ऑफ द डिबेट यहां पर हम बोल सकते हैं, नरेटिव ऑफ द डिबेट भी यहां पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ इसमें भी आपका आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, टू मेक मैटर्स वर्स, टू मेक मैटर वर्स एक फ्रेज होता है, टू मेक मैटर वर्स मतलब चीज़ों को बद से बदतर बना देना, चीज़ें पहले ही खराब हैं लेकिन उनको और खराब कर देना, उसको उसके लिए हम बोलते हैं टू मेक मैटर्स वर्स। दे लेवी वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द फ्यूल प्राइस ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब फिर से वही सेम लॉजिक, यहाँ ऑफ के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है, अब देखिए डिस्करेजमेंट ऑफ नहीं होता, इंक्लूसिव ऑफ होता है, सस्टेन ऑफ नहीं होता, अर्लियर ऑफ नहीं होता, पॉसिबल ऑफ नहीं होता। देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्यूल प्राइसेस की, और फ्यूल प्राइसेस के साथ हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज की, मतलब फ्यूल प्राइसेस के साथ इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। तो इसलिए यदि हम यहां पर बोलते हैं कि फ्यूल प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब फ्यूल प्राइसेस में हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और इंक्लूसिव के साथ हम ऑफ भी लगाते हैं, तो इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए इंक्लूसिव वर्ड यहां पर सही है, और जब पहला सही है तो सेकेंड अपने आप सही हो जाएगा। यहां पर देखिए प्राइस के साथ क्या वर्ड आ सकता है, प्राइस एम्प्लीफिकेशन, प्राइस का बढ़ना, तो एम्प्लीफिकेशन वर्ड भी यहां पर सही है, ठीक है। देखिए इस तरह से यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत कम टाइम में इस तरह क्वेश्चंस को कर सकते हैं, 4 या 5 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे एक क्वेश्चन को करने में, और बैंकिंग के प्री एग्जाम में आपको 40 सेकंड का टाइम मिलता है, मेंस एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चन 40 मिनट में करने होते हैं, यानी 1 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मिलता है।
आसानी से और अच्छे तरीके से आप प्री और मेंस दोनों में ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनको क्रैक कर सकते हैं यदि इस ट्रिक से आप जाते हैं और इस ट्रिक को आप अप्लाई करते हैं। मेंस में भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि मेंस में टाइम आपको जो मिलता है वो काफ़ी सफिशेंट मिलता है, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंडस्ट्री हैज वॉर्न दैट डोमेस्टिक ऑयल प्राइस पॉलिसी आर हर्टिंग द, किस चीज़ को हर्ट कर रहा है वो। इंडस्ट्री हैज़ वॉर्न दैट डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस पॉलिसी आर, इंडस्ट्री ने ये वॉर्न किया है कि डोमेस्टिक ऑयल प्राइसिंग पॉलिसीज, कि डोमेस्टिक ऑयल प्राइसिंग की जो पॉलिसी है वो हर्ट कर रही है। दे आर हर्टिंग वॉट, दे आर हर्टिंग रिकवरी। रिकवरी क्या है? नाउन है। नाउन के बगल में यहां पर आपको चाहिए एक एडजेक्टिव। ठीक है, कैसी रिकवरी की हम बात कर रहे हैं वो आपको चाहिए। फॉर्मर रिकवरी नहीं होगा, प्रीवियस रिकवरी नहीं होगा, डिफेंस रिकवरी कोई सेंस नहीं है, बिगनिंग रिकवरी कोई सेंस नहीं है, नासेंट रिकवरी आप बोल सकते हैं क्योंकि नासेंट का मतलब होता है नया, जो अभी एग्जिस्ट, जो अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, नासेंट बोल सकते हैं, तो नासेंट यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड में हम देखते हैं ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज आर ऑलरेडी स्लैशिंग, ग्लोबल जो रेटिंग एजेंसी हैं जो रेट करती हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज आर ऑलरेडी स्लैशिंग इंडियाज ग्रोथ। इंडियाज ग्रोथ वॉट, ग्रोथ के साथ हम किस वर्ड को लगा सकते हैं? ग्रोथ के साथ हम एक्सपेक्टेशंस वर्ड को लगा सकते हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जो हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जो ग्लोबल एजेंसीज हैं वो स्लैश कर रही हैं, कम कर रही हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड का भी सेंस बन रहा है, इस वर्ड का भी सेंस बन रहा है, इसलिए आंसर होगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू प्रिवेंट आ, अब देखो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। यहां पर ए लगा है, इसका मतलब यहां पर आपको एक नाउन चाहिए। टू प्रिवेंट आ ऑफ दोज इंसिडेंट्स, इंसिडेंट, इंसिडेंट और प्रिवेंट, इसको आप कोरिलेट करिए, इंसिडेंट और प्रिवेंट। इंसिडेंट को रोकना, ठीक है, इंसिडेंट को रोकना। अब यहां पर क्या वर्ड आ सकता है? देखिए टू प्रिवेंट ए एफीमेरल, तो एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, प्रोटेक्शन का कोई सेंस नहीं है। टू प्रिवेंट ए सेंटर का कोई सेंस नहीं बन रहा। टू प्रिवेंट ए रिपीट ऑफ दोज इंसिडेंट, देखिए इसका सेंस बन रहा है, मतलब उस तरह के इंसिडेंट्स के रिपीट को रोकना, उस तरह के इंसिडेंट के रिपीट को रोकना, तो रिपीट का पूरा सेंस बन रहा है यहां पर। और नेटिविस्ट क्या है? नेटिविस्ट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एक नाउन चाहिए। और नेटिविस्ट आर्ग्यूमेंट्स, जो किसी किसी देश के जो नेटिव हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो नेटिविस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट वर्ड भी जा सकता है, रिपीट वर्ड भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4। ऐसे यदि आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो आप हाई स्कोर कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। और इसमें क्योंकि क्योंकि जब आप लॉजिक से करते हैं तो टाइम एक तो बहुत कम लगता है, और टाइम कम लगने के अलावा आप लॉजिक के थ्रू चूंकि कर रहे हैं उसको उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर यही ऑप्शन आ सकता है, दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता। तो इसलिए इस तरह से करने में आपका टाइम बहुत कम खर्च होगा, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है बैंकिंग एग्जाम में, और एक्यूरेसी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। द ऑब्वियस ऑफ दैट दैट हाई टैक्सेज ऑन फ्यूल नीड टू बी कट वेन प्राइसेज राइज अगेन हैज बीन इग्नोर्ड सो फार। द ऑब्वियस ऑफ दैट, तो यहां पर क्या वर्ड आ सकता है? द ऑब्वियस फोर पार्ट ऑफ दैट स्पेसियस, स्पेसियस के बाद तो नाउन आता है, ठीक है, तो स्पेसियस यहां पर नहीं आएगा। ऑफ दैट का मतलब है कि जैसे जैसे क्रक्स ऑफ दैट बुक या समरी ऑफ दैट बुक, यहां पर यदि आप समरी लिखते हैं तो आप बोलते हैं कि समरी ऑफ दैट बुक, यानी यहां पर आपको क्या चाहिए? यहां पर एक नाउन चाहिए आपको। अब नाउन कौन कौन से? स्पेसियस नाउन नहीं है, विदरिंग नाउन हो सकता है, विजुअल स्टांस नाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम करके देखते हैं इसमें क्या आ सकता है। द ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या चीज हो सकती है? ऑब्वियस श्रिंकिंग नहीं होगा, ऑब्वियस फोर पार्ट नहीं होगा, ऑब्वियस रेजिस्टेंस नहीं होगा, ऑब्वियस कोरोलरी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस कोरोलरी का मतलब होता है, कोरोलरी का मतलब होता है किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस या आउटकम। द ऑब्वियस कोरोलरी ऑफ दैट स्टांस, यहां पर भी नाउन आ गया स्टांस, मतलब किसी
किसी कदम का या किसी स्टेप का इफेक्ट क्या पड़ेगा? द ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ दैट स्टांस, द ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ दैट स्टांस दैट हाई टैक्सेस ऑन फ्यूल नीड टू बी कट, कि हाई टैक्सेस जो है फ्यूल पे उनको कट करने की जरूरत है, व्हेन प्राइसेस राइज अगेन हैज बीन इग्नोर्ड सो फार, मतलब इस इफेक्ट को, उस स्टांस से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको इग्नोर किया गया है। तो यहां पर कोरोलरी और स्टांस सही है आपका आंसर। विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना या कम होना, डिदरिंग का मतलब होता है हेजिटेट करना। तो इन सारे लॉजिक्स को देखते हुए यहां पर 4 आपका सही आंसर है। इसको देखते हैं, द स्पार्क फॉर द वीक लॉन्ग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन डाउनटाउन शिलोंग वॉज ए लाइव स्प्रेड थ्रू व्हाट्सएप। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर व्हाट्सएप दिया गया है, ठीक है, और यहां पर दिया गया है द, इसका मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन, मतलब व्हाट्सएप के बारे में आगे कॉमा लगा के कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म क्या है, नाउन है। तो यहां पर आपको ये बताना है कि ये किस तरह का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी यहां पर एक एडजेक्टिव आपको चाहिए। तो लाइमलाइट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, क्या आप बोल सकते हैं लाइमलाइट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ये गलत है। यूबीक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, रैम्पेंट जिसको हम बोलते हैं। तो यूबीक्विटस यहां पर सही होगा, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो हर कोई यूज करता है, सभी जगह वो फैला हुआ है, तो यूबीक्विटस यहां पर सही होगा। शेल्टर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गलत होगा, ट्रेबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गलत होगा, प्रोसीड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गलत होगा। यूबीक्विटस का मतलब होता है जो सब जगह फैला हुआ है, इस वर्ड को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं यूबीक्विटस। और यहां पर देखिए र्यूमर मॉन्गरिंग, ये भी सही है। र्यूमर मॉन्गरिंग का मतलब होता है, मॉन्गर का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना जो अनडिजायरेबल है, किसी गलत चीज को प्रमोट करना, उसको हम बोलते हैं मॉन्गरिंग। सेलिंग या पेडल भी बोलते हैं इसको, लेकिन मॉन्गरिंग का मतलब होता है जो अनडिजायरेबल चीज है, जो गलत है, उसको उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो यूबीक्विटस भी सही है, मॉन्गरिंग भी सही है। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, सेकंड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, यदि आप लॉजिक से करते हैं तो कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप बैंकिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और आप हमारी पेड क्लासेज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नीचे दिए गए लिंक से इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इन कॉल इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।